मेरे कारकुनों सुनो, 17 मिनट है मेरे पास, 17 मिनट है, तो मैं ये चाहता हूं कि मैं अपने नौजवानों को लीडर्स बना दूं। तो क्योंकि फिर से अच्छा, मैं बाहर भी लोग हैं, बाहर भी हैं, अच्छा बाहर भी हमारे टाइगर बाहर सुन रहे हैं, तो उनके लिए भी, उन सबको मैं आज, हाँ इमरान टाइगर्स भी हैं वहां, और मैं सारों को आज सलाम भी पेश करता हूं। और जिस तरह आपने यहां पैरा दिया, अगर आप लोग यहां पैरा ना देते तो अभी तक मैं जेल में होता, आपकी वजह से है। मेरे जो मुखालिफ हैं, इस मुल्क के नामवर डाकू जराइम पेशा लोग हैं, और इनके पीछे इनके हैंडलर्स हैं, और उनको सिर्फ एक खौफ, उनकी जिंदगी का एक खौफ है कि कहीं इमरान खान इलेक्शन ना जीत के वापस आ जाए, और उसके लिए हर किस्म की साजिश चल रही है। लेकिन याद रखें, कुरान में अल्लाह कहता है कि एक प्लान इंसान बनाता है और दूसरा प्लान, और कामयाब एक प्लान होता है सिर्फ और वो अल्लाह का है। तो इसलिए अल्लाह अभी तक हमें बचा के यहां ले आया है, और माशाल्लाह आपकी जो जमात है पाकिस्तान की तारीख में, मैं फिर से कह रहा हूं, मेरी उम्र तकरीबन पाकिस्तान से 5 साल छोटी है, पाकिस्तान की तारीख में आज तक इस तरह की जमात जो चारों सूबों में पहुंच गई है, नीचे तक पहुंच गई है, किसानों में पहुंच गई है, मजदूरों में, जो घर घर पहुंच गई, और जो सबसे घरों के अंदर ख्वातीन के अंदर पहुंच गई है, नौजवानों में है, ऐसी कभी पाकिस्तान की तारीख में जमात नहीं आई। और जिसकी वजह से ये सब डरे हुए हैं, तो मैंने आप रमजान में, मेरी कोशिश है कि जो मेरे कारकुन यहां आते हैं, मैं इनकी तरबियत करूं और मैं इनको मुस्तकबिल के लीडर बनाऊं। तो आज मैं आपको लीडर की क्वालिटी बनाना चाहता हूं कि लीडर क्या होता है, उसमें क्या सलाहियत होनी चाहिए। तो सबसे दुनिया की तारीख का अजीम लीडर कौन था? हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया की जब भी लीडरशिप के ऊपर किताब लिखते हैं कि किसने सबसे ज्यादा, किसके कारनामे सबसे ज्यादा थे, तो किसी इंसान, किसी लीडर के वो कारनामे नहीं थे, चाहे आप मुसलमान हो या ना हो, जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे। एक किताब लिखी गई, 100 ग्रेटेस्ट मैन, दुनिया के 100 अजीम इंसान, उसमें नंबर 1 हमारे नबी थे, अंग्रेज ने लिखी थी, क्योंकि जो सलाहियतें उनमें थी किसी और दुनिया के लीडर में नहीं थी। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं वो सलाहियतें क्या थी। सबसे पहले, लीडर के कैरेक्टर होना चाहिए, अगर लीडर का कैरेक्टर नहीं है वो लीडर नहीं बन सकता। डंडे मार के वो लोगों को इज्जत नहीं करवा सकता अपनी, इज्जत आती है उसके कैरेक्टर से, और वो कैरेक्टर 2 चीजों के ऊपर बेस होता है, सादिक और अमीन। नबूवत से पहले मेरे नबी को सब सादिक और अमीन कहते थे, और हर मसला जब लोग हल करना चाहते थे तो उनके पास जाते थे, क्योंकि उनको पता था वो सच्चे भी हैं और अमानतदार भी हैं। ये 2 क्वालिटीज सबके, अगर आप अपनी इज्जत करवाना चाहते हैं, ये 2 चीजें अपने अंदर डाल लें। आसान नहीं है, सच बोलना आसान नहीं है, जालिम के सामने सच बोलना आसान नहीं है। सच आपको ताकत देता है, क्योंकि अल्लाह अल्हक है, अल्लाह जब आप सच बोलते हैं वो आपके साथ आके खड़ा हो जाता है।
और सच्चे आदमी कहीं दुनिया के माशरे में चले जाएं, क्योंकि वो रब्बुल आलमीन है और हमारे नबी रहमतुल आलमीन है, सब इंसानों के लिए रहमत बन के आए थे। तो जो उनके रास्ते पे चलेगा, और पहले तो वो सच्चा, जब वो सच बोलेगा जहां भी दुनिया में चले जाए आपकी इज्जत होगी। एक बूढ़ा कुरैश आया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहा कि ऐ नबी, मैं उम्र के उस हिस्से में हूं कि मेरा सारा कबीला मुसलमान हो गया है, तो मैं सिर्फ इसलिए मुसलमान हो रहा हूं कि मेरा सारा कबीला मुसलमान हो गया, लेकिन नबी मुझे एक चीज बता, एक, क्योंकि मैं अपनी आदतें नहीं बदल सकता, मुझे एक चीज बता कि मैं वो करूं और मैं मुसलमान हो जाऊं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सच बोलो, एक चीज मुसलमान होने के लिए तो सच बोला करो। सच की इतनी बड़ी ताकत है, झूठे आदमी की कोई इज्जत नहीं है। जब कोई इंसान कहता है कि मेरी लंदन तो छोड़ो, पाकिस्तान भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, और दो साल के बाद अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज लंदन में निकलाती हैं, तो इज्जत नहीं लोग करते, इज्जत नहीं करते। हाँ वो खैर, वो तो और चीजें निकलती आ रही हैं, लेकिन सुने 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 सुने, हम उधर नहीं जा रहे। मैं जो आपको कह रहा हूं कि पहले तो सच की ताकत पहचाने। सच, एक गैरतमंद आदमी क्यों सच बोलता है? अगर उसका झूठ पकड़ा जाए तो वो जलील हो जाता है, तो अगर गैरत होगी तो जलील होगा, बेगैरत तो जलील ही नहीं होगा। गैरतमंद आदमी, सुने सुने, ओ छोड़ो उनको छोड़ो। अच्छा दूसरी चीज, दूसरी चीज, अमानतदार, इंसाफ करना। ये याद रखें कि इंसाफ करना ये भी आसान नहीं है। कुरान में अल्लाह कहता है, ये जरा आयत सुन लें, मुझे इस आयत ने बड़ा मुतासर किया था जब मैंने ये आयत पढ़ी, कि अपने दुश्मनों से भी इतनी नफरत ना करो कि इंसाफ ना कर सको। यानी अपने दुश्मनों से भी किसी से इतनी नफरत ना करो कि इंसाफ ना कर सको। यह है जोर इंसाफ के ऊपर। मां बाप भी अगर आपके, अगर मां बाप के सामने भी उनके खिलाफ भी इंसाफ करना पड़े, इंसाफ करो। मां बाप का कितना रुतबा है हमारे दीन में, लेकिन इंसाफ का कितना ऊंचा रुतबा है उससे। तो ये दो चीजें अपने याद रखें कि जब भी आए, मसलन आप जब कैप्टन बने, या आप कोई यूनियन काउंसिल के नाजम बने, या आप आगे जाए डिस्ट्रिक्ट में बने, या एमपी बने, या एमएनए बने, याद रखें आपके ऊपर सबसे ज्यादा लाजिम है कि आप इंसाफ करें, क्योंकि उसको लीडर मानते हैं लोग जब पता है कि वो सिफारिश ही नहीं खिलाता, वो इंसाफ करता है। जो इंसाफ नहीं करता उसकी इज्जत नहीं है। आज आप पीटीआई को देख लें, तहरीक इंसाफ को, और बाकी जमातों को देख लें। एक जमात में सारे जरदारी और भुट्टो ऊपर बैठे हुए हैं, दूसरे में सिर्फ शरीफ ऊपर बैठे हुए हैं। तहरीक इंसाफ में बताए कौन सा इमरान का रिश्तेदार ऊपर बैठा हुआ है? क्योंकि सुने सुने, टाइम कम है, टाइम कम है। तीसरी चीज सुने सुने, बस बस बस, तीसरी क्वालिटी, दो क्वालिटीज मैंने बता दी, तीसरी क्वालिटी, तीसरी जो क्वालिटी है वो कि बुजदिल इंसान लीडर नहीं बन सकता। जो लीडर बनता है उसको अपने खौफ के ऊपर काबू पाना पड़ता है। यह नहीं कि हमें खौफ नहीं है, सबको खौफ होता है, लेकिन लीडर तब बनेगा जब वो खौफ के ऊपर काबू पा ले। क्योंकि अगर मसलन अगर फौज है और वो देखे कि उनका कमांडर या उनका जो ऊपर जनरल या मेजर वो डर गया है, तो सारी फौज उसकी इज्जत करनी छोड़ देती है। खालिद बिन वलीद, दुनिया की तारीख का शायद ही कोई इस तरह का जनरल आया हो, अगली
सबसे आगे लड़ता था, खालिद बिन वलीद सबसे आगे लड़ते थे, लीड करते थे, फिर थोड़े से लोगों से वो जीत जाते थे, क्योंकि लीडर आगे, जब जब तक लीडर खड़ा है उसकी टीम खड़ी है। क्रिकेट कैप्टन, सारी खेलों के अंदर सिर्फ एक कैप्टन में लीडरशिप की जरूरत है, एक खेल में, वो है क्रिकेट। मैदान में जब मुश्किल वक्त आता है सारी टीम कैप्टन की तरफ देखती है, जब एक मैच फंस जाता है, क्राइसिस आता है, टीम हारने लगती है, तो सारी टीम कप्तान की तरफ देखती है। जिधर कप्तान गिरा टीम गिरी, जब वो खड़ा हो गया टीम लड़ती रहती है। ये किसी में भी, हर चीज में, दुनिया में लीडर वो होता है जो प्रेशर बर्दाश्त करता है, जो मुश्किल वक्त पे खड़ा होता है, जो डरता नहीं है, जो अपने खौफों पे, खौफ पे काबू पाता है। तो ये तीसरी क्वालिटी है। और अल्लाह कुरान के अंदर जो हम अब उस पर जब अमल करते हैं तो हमारा दीन ही हमें ताकत दे देता है, क्योंकि अल्लाह जब ये कहता है कि जिंदगी मौत मेरे हाथ में, इज्जत ज़िल्लत मेरे हाथ में और रिस्क मेरे हाथ में, जब ये तीन चीजें जो सबसे बड़े इंसान में खौफ पैदा करता है, जब अल्लाह कहता है मेरे हाथ में है, तो आपके खौफ दूर कर रहा होता है। और फिर कुरान की आयत है कि जो लोग ईमान ले आए अल्लाह उनके खौफ दूर कर देता है। और इसीलिए जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में वो अरब जिनकी हैसियत नहीं थी उनको जब एक कौम बनाया, और उन्होंने दो सुपर पावर्स उनके देखते देखते 10-11 सालों में वो गिर गई, तो वो आजाद लोग थे, खौफ से आजाद हो गए, मौत के खौफ से आजाद हो गए। और वो लोग, आजाद लोगों ने दुनिया की इमामत की, कई सौ साल तक मुसलमान दुनिया की इमामत करते रहे, दुनिया की सुपर पावर बने रहे, लेकिन बुनियाद रखी थी मदीना में दुनिया के सबसे अजीम लीडर ने, कि उन्होंने लोगों को आजाद कर दिया, खौफ से आजाद कर दिया। फिर ये पैसे का बोता है, लालच है, ये सब बोते हैं, इन सब से आजाद कर दिया और वो इंसानों को अजीम इंसान बना दिया, जो जमीन पे रींग रहे थे उनको पर दे दिए। और वो लोग फिर दुनिया की हर चीज में आगे निकल गए, साइंसदान भी सब मुसलमान थे कई सौ साल तक, तो हर चीज में वो आगे निकल गए। तो सबसे पहली चीज कि ये जो खौफ है ये आपको जमीन पे रखता है, ये जंजीर है, खौफ जंजीर के बांध पे रखता है, आपको बड़ा इंसान नहीं बनने देता। कई लोग हैं जो बड़ा डरते हैं, मसलन जो सबसे पहला आदमी जो सबसे ऊंचे पहाड़ पे चढ़ा था उसका नाम था एडमंड हिलरी। उससे पहले जिसने कोशिश की थी पहाड़ पे चढ़ने की, या वो मर गया था और या वो फेल हो गया था। तो सोचें कि जब ये पता हो कि मेरे से पहले या मर गए थे, क्योंकि बड़ा मुश्किल था उन दिनों में, आज से 70 साल पहले सबसे ऊंचे पहाड़ पे चलने का, तो या वो मर गए थे या वो हार मान के वापस आ गए थे। तो जब एक आदमी एडमंड हिलरी ने फैसला किया कि मैं चढ़ूंगा, तो उसने सबसे पहले अपने खौफ के ऊपर काबू पाया, मौत के खौफ के ऊपर काबू पाया। और सारी दुनिया याद रखेगी उस पहले आदमी को जो सबसे ऊंचे पहाड़ पे चढ़ गया, माउंट एवरेस्ट पे। उसी तरह स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में, मैं बताऊं, मैं क्रिकेट खेलता था, तो जब मैं क्रिकेट खेलता था बड़े बड़े अल्लाह ने टैलेंट खिलाड़ियों में दिया हुआ था, लेकिन वो बैट्समैन गेंद लगने से डरते थे, उसकी वजह से ऊपर नहीं जा सके, या वो हारने से डरते थे, ये भी बहुत बड़ा खौफ है, हारने से, हारने का खौफ। बिजनेसमैन होता है वो जो डरता है कि मुझे नुकसान ना हो जाए, वो कभी बड़ा बिजनेसमैन नहीं बनता। हर जगह इंसान को चैलेंज आता है, और बड़ा इंसान वो होता है जो अपने खौफ पे काबू पा जाता है। और फिर ये याद रखें,
कि जो आपकी जिंदगी है ना वो कभी सीधी लाइन पे ना ऊपर जाती है ना नीचे आती है। ये जरा गौर से सुने आप, जिंदगी जो है ना वो ऊंच नीच का नाम है। अच्छे वक्त बुरे वक्त आते हैं जिंदगी में। ये कोई भी आज मसल में अगर क्रिकेट में बड़ा नाम था तो बड़े बड़े मुश्किल वक्त आए, हारा, यानी बड़े बड़े मैचेस भी हारे, फेंटे पड़े, यानी ये नहीं कि मैं एक दिन में ऊपर चला गया। बड़ी सो एक होता क्या कि आप एक जगह पहुंचते हैं, आपको आप हारते हैं, आप नीचे आ जाते हैं। जब आप नीचे आते हैं अल्लाह फिर आपको इम्तिहान में डाल देता है। वापस ऊपर वो आदमी आता है जिसको हार हरा नहीं सकती, वो हार से हार नहीं मान जाता, वो फिर से खड़ा होता है। और वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपनी गलतियों का जायजा लेता है कि मैं क्यों हारा था। मैं जब क्रिकेट खेलता था सोने से पहले सा नोट करता था कि मैंने ये गलती की, ये गलती की और ये गलती की। फिर मैं जाता था प्रैक्टिस करके वो अपनी गलतियों को दूर करने की कोशिश करता था। कई एक हफ्ते में हो जाती थी, कई छह महीने में होती थी गलतियां दूर, कई एक साल लग जाता था, और कई मेरी ऐसी गलती जो तीन चार साल लगे मुझे दूर करने में। लेकिन ऊपर तब आप जाते हैं जब आप अपनी गलतियों का जायजा लेके मेहनत करके दूर करके फिर ऊपर जाते हैं, और फिर आप ऊपर जाते रहते हैं, फिर आपको नुकसान होता है, फिर आप कोई करते हैं, फिर और ऊपर चले, इस तरह ऊपर जाते हैं। कोई ये हम जब बचपन में, मैं जब 12-13 साल का था तो मैं ये सोचता था कि मैं मैच खेल देखने गया हूं, टेस्ट मैच, उन्होंने कहा जी ये खिलाड़ी कम हो गया, मैंने हाथ खड़ा किया, उन्होंने मुझे खिला दिया और मैं स्टार बन गया। ये सिर्फ ख्वाब में होता है, ऐसे असल जिंदगी में ऐसे होता नहीं है। जिंदगी एक मेहनत और मुश्किल का नाम है, जिंदगी एक जद्दोजहद का नाम है। और जब से और जब तक आप अपने आप को चैलेंज करते रहते हैं आप सीखते जाते हैं और ऊपर जाते रहते हैं। और आखिर में जो लीडर होता है वो अपने आप से बाहर निकलाता है, वो अपनी मैं को काबू करता है, वो अपनी मैं का गुलाम नहीं बनता, वो अपने मैं और मैं का बुत तोड़ता है। कोई भी बड़ा लीडर होता है वो अपनी जात के अंदर जो अपनी सोचता है वो कभी बड़ा लीडर नहीं बन सकता। लिहाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इतनी मुश्किलों के बाद सारा अरब उनके नीचे आ गया, सारे अरब का मालिक बन गए मुश्किलों के बाद, तो अराफात में जब आखिरी खुतबा देते हैं और जब अपना खुतबा खत्म करते हैं और कहते हैं हम लोगों से कि बताओ कि मैंने दयानतदारी से अल्लाह को आपका पैगाम दिया, क्योंकि आज मैंने आपका अल्लाह का पैगाम मुकम्मल कर दिया, तो सारे लाख लोगों की आवाज आई कि हां नबी आपने दयानतदारी से अल्लाह को अल्लाह का पैगाम दिया हमें। रोना शुरू कर देते हैं लोग, क्योंकि उनको एकदम ये सोच आती है कि ये अगर पैगाम पूरा कर दिया तो अब तो इन्होंने हमारे में रहना नहीं है, ये तो पैगाम देने के लिए आए थे, ये जात के लिए नहीं आए थे, ये अपने महल बनाने के लिए, जायदादें बनाने के नहीं आए थे, ये तो एक अल्लाह का पैगाम लेके आए थे। इसलिए आज तक और जब तक दुनिया रहेगी हम उनके लिए अपनी जानें कुर्बान देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो हमारे लिए आए थे, अपने लिए नहीं आए थे। और कायदे आजम हमारे जो इस मुल्क का लीडर लंग कैंसर से मर रहे थे, किसी को पता नहीं चलने दिया कि कहीं पाकिस्तान को रोक ना दे बनने से, अपनी जात के लिए नहीं आए थे, उनको तो पता था कि उन्होंने जिंदा नहीं रहना, लेकिन हमारे लिए उन्होंने पाकिस्तान के लिए आखिरी दम तक जद्दोजहद की, जिसके लिए जब तक हमारा मुल्क रहेगा हम कायदे आजम को सलाम भी करेंगे, उनके लिए दुआएं भी देंगे। अच्छा जी, दुआ करते हैं, रोजा तकरीबन खुल गया, अजान होने से पहले चार मेरी अल्लाह से दुआएं, चार मेरे साथ हाथ उठाएं, दुआ करें। अल्लाह पाकिस्तान को मदीना के रियासत के असूलों के ऊपर एक अजीम कौम बना। आमीन। अल्लाह पाकिस्तान वो मुल्क बने जो कोई इंसान भूखा ना सोए। आमीन। अल्लाह पाकिस्तान में अदल और इंसाफ पैदा कर और इंसानों को कानून के सामने एक बराबर कर दे। आमीन।
और आखिर में ख़ास तौर पे या ममान इधर से कबायली इलाके से बहुत लोग जाते हैं बाहर नौकरियां ढूंढने के लिए, तो मैं आपके लिए भी, क्योंकि माएँ बहनें बच्चे सब याद करते हैं जब कमाने वाला बाहर चला जाए, तो मेरी आखिरी दुआ ये है कि अल्लाह पाकिस्तान को वो मुल्क बना जो बाहर से लोग पाकिस्तान में नौकरियां ढूंढने आए। आमीन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह।